Hey everyone, welcome to Glam Up. मेधा शंकर का नाम तो अब तक आप जान ही चुके होंगे। एक रोल से ही उन्होंने अपनी एक्टिंग का जादू ऐसा बिखेरा है कि लोग तृप्ति डिमरी को सर्च करना भूलकर मेधा शंकर को सर्च करने लगे और वो भी रातों रात नेशनल क्रश बन गई। पर ऐसा पॉसिबल होने में उनकी सालों की मेहनत रही है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। एक्टिंग इंडस्ट्री में आने से पहले वो पॉपुलर क्लोदिंग ब्रांड्स के लिए इंटर्नशिप कर चुकी है और उसके बाद उन्होंने मॉडल और एक्टर बतौर ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखा। कौन से पॉपुलर ब्रांड्स थी ये और कितनी पढ़ी लिखी है मेधा शंकर, कैसा था उनका बचपन और कितने स्ट्रगल्स रहे हैं उनकी सक्सेस जर्नी में, मेधा शंकर की लाइफ से जुड़ी ये सारी जानी अनजानी बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेधा शंकर का जन्म 1 अगस्त 1989 को नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका निकनेम नॉनी है। उनकी फैमिली म्यूजिकल बैकग्राउंड से जुड़ी है और इसलिए मेधा का भी बचपन से ही म्यूजिक फील्ड में काफी जुड़ाव रहा। उन्होंने अपनी स्कूलिंग नोएडा के विश्व भारती पब्लिक स्कूल से कम्प्लीट की। उनके फादर अभय शंकर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में जॉब करते हैं और उनके भाई अपूर्व शंकर अल्ट्रा ह्यूमन नाम की एक हार्डवेयर कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। पर कुछ साल पहले उनकी माँ एक्सपायर हो गई, पर उनकी याद उन्हें आज हर पल आती है और उनके साथ बिताए पल भी। उनकी दादी ने म्यूजिक में मास्टर्स कर रखा था और वो काफी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाया करती थी, यहाँ तक कि वायलिन भी। वहीं दूसरी तरफ मेधा की माँ रचना राज शंकर एक डांस कोरियोग्राफर एंड प्ले डायरेक्टर थी और बचपन से ही वो अपनी माँ को अपने अपार्टमेंट में छोटे बच्चों को प्ले सिखाते और डांस कोरियोग्राफ करते देखती थी। यही वजह रही कि मेधा खुद भी एक क्लासिकल सिंगर है और सितार हारमोनियम और कीबोर्ड में बचपन से ही ट्रेंड है। क्लास 10 तक उन्होंने म्यूजिक सीखा और बड़े होते होते वो अपने स्कूल में होने वाले सिंगिंग और डांसिंग कॉम्पिटिशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी। पर वो एक शाय किड हुआ करती थी और बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जल्दी ही उन्हें ये रियलाइज हो गया कि ये उनके बस की बात नहीं है। पर वो सिंगिंग और डांसिंग जैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा एक्टिव रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने न्यू दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स डिग्री हासिल की। साल 2015 में उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म विद यू फॉर ऑलवेज में काम किया था, जिसमें उन्होंने माया का रोल प्ले किया था। लेकिन साल 2016 में अपने करियर के अच्छे से शुरुआत मेधा ने ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करके की थी। मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने फेमिना मिस इंडिया और मिस डीवा पेजेंट्स के लिए कैंपस प्रिंसेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मेधा भी एक पार्टिसिपेंट रही और इसके बाद उनका मॉडल बतौर करियर स्टार्ट हो गया। काफी टीवी और प्रिंट एड्स में उन्हें काम करने का चांस मिला, जिनमें से कोको कोला, पेटीएम और बिग बाजार कुछ नाम है। अपने ग्रेजुएशन डेज में उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म के लिए भी ऑडिशन दिया था, जो मूवी कभी रिलीज तो नहीं हो सकी, लेकिन उस एक्सपीरियंस ने उनके मन में एक्टर बनने का इरादा पक्का कर दिया और साल 2018 में वो एक्टिंग में अपना लक ट्राई करने मुंबई शिफ्ट हो गई। इसके बाद उन्होंने साल 2019 में वेब सीरीज बीचम हाउस से अपना डिजिटल डेब्यू किया। इसमें उन्होंने एक मुगल प्रिंसेस रोशनारा का रोल प्ले किया था और ये रोल उनके एक्टिंग करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद दिल बेकरार नाम की एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी में उन्होंने ईश्वरी ठाकुर का रोल निभाया और इसी साल उन्हें वेब सीरीज दोस्त प्रिंसी ठाकुर गर्ल्स में भी कास्ट किया गया। ये तो हुई वेब सीरीज की बात। मेधा के फिल्म डेब्यू की शुरुआत साल 2021 की हिंदी म्यूजिकल ड्रामा फिल्म शादिस्तान से हुई। इसमें वो अर्शी के रोल में देखी गई। इसके बाद मैक्स मिन मियोजाकी में मिन के रोल में और लेटेस्ट उन्हें 12th फेल मूवी में श्रद्धा जोशी के प्रॉमिसिंग रोल में देखा गया, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी अलग ही लेवल पर जा पहुंची है और रातों रात इस रोल ने उन्हें ऑल ओवर इंडिया में मोस्ट सर्च एक्ट्रेस की लिस्ट में डाल दिया। आपको कैसी लगी थी मेधा की इस मूवी में एक्टिंग और उनके निभाए अब तक के रोल्स में से आपने सबसे पहले उन्हें किस रोल में देखा था, कमेंट करके ये जरूर बताएं। बात करें मेधा की लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स की, तो उनकी फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण है और फेवरेट सिंगर श्रेया घोषाल। एक्टिंग के अलावा उन्हें सिंगिंग, डांसिंग, ट्रैवलिंग, रीडिंग और गरीब बच्चों को पढ़ाने का भी इंटरेस्ट है। साथ ही वो एक एनिमल लवर है और उनके पैट डॉग का नाम लैला शंकर है। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो किस ब्यूटी क्वीन से मिलना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो सभी से मिलना चाहेंगी, लेकिन ऐश्वर्या राय उनके दिल में एक अलग ही जगह रखती है और वे सबसे मिलकर उनकी अपनी सक्सेस स्टोरी खुद को इंस्पायर करने के लिए सुनना चाहेंगी। डियर जिंदगी मूवी में आलिया भट्ट का रोल और क्वीन मूवी में कंगना रनौत का रोल उनके ड्रीम रोल्स में से एक है और वो फ्यूचर में रणवीर सिंह और राजकुमार राव के साथ काम करना चाहती है।
मेरा फिटनेस कॉन्शियस है और डेली वर्कआउट करना कभी स्किप नहीं करती और उनके अकॉर्डिंग जिंदगी का असली मीनिंग है खुशी ढूंढना और उस खुशी को दुनिया तक फैलाना। लास्टली ग्लैमर इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले उन्होंने मार्क्स एंड स्पेंसर और एडिडास इंडिया से इंटर्नशिप भी की थी। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी मेधा शंकर की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।